मात्र एक साल का। कितने साल का? एक वर्ष का सातित्व का पुण्य मुझको दे दो। तो इससे क्या होगा? अनुसुईया जी ने पूछा। गंगा जी कहती हैं, शंकर भगवान बोले हैं, अगर अनुसुईया के सातित्व जैसा सातित्व हो तो मैं तुझे मस्तक पर धारण करूं। बोल अनुसुईया। अनुसुईया जी कहती हैं, क्या चाहिए? मांगो। एक साल का सातित्व चाहिए। तो उससे क्या आप शंकर की जटा में पहुंच सकती हैं? हाँ। अनुसुईया जी ने हाथ में जल लिया। मेरे एक वर्ष का सातित्व का पुण्य मैं इस पतित पावनी गंगा को देती हूँ। गंगा ने वो पुण्य लिया, शंकर जी को जाकर दिखाया। शंकर जी ने कहा, गंगा अब तू मेरी जटा से कभी बाहर नहीं निकलेगी, हमेशा समाहित हो जाएगी, हमेशा। बहुत ध्यान दो। एक अनसुईया के सातित्व से गंगा शंकर की जटा में फिक्स हो सकती है, तो तुम भी अपने पति के चरणारविंद के स्मरण कर सातित्व से बैकुंठ में तो फिक्स हो ही सकती हो। सही है कि गलत है? आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज चरण छूती हैं, रोज प्रणाम करती? हाथ उठा। अरे एक हाथ तो उठा लो। एक, दो, तीन, साढ़े तीन। नहीं, वो साढ़े तीन इसीलिए क्योंकि करवा चौथ पे पड़ती है, केवल तीज त्योहार पे पढ़ना चाहिए। परंतु नियम बनाओ थोड़ा सा कि हम अपने पति के चरणों को रोज प्रणाम करेंगे। पहली बार शर्म आए तो घूंघट रख के पढ़ लो। पहली बार उसको भी शर्म आएगी तो 500 का नोट देगा। रे जिंदगी में पहली बार तो अच्छा काम करा है इसने। बोले पतियों सबसे ज्यादा खुश होते हैं केवल एक ही दिन, जिस दिन उनकी पूजन होती है। कौन से दिन? करवा चौथ पे। ऐसा चलनी में मुंह देखती, सिर पे पल्लू लेके इतनी मर्यादा में रह जाए, इतनी मर्यादा में, इधर पोर नथनी हाथ चूड़ा ऐसी, सिर पे पल्लू लेके बढ़िया ऐसा चलनी में मुंह देखे। पति भी मन में सोचे ये लीला भाई है कि कहीं की कला है। उसको भी समझ में नहीं आता कि एक दिन में कैसे रूप बदल गया। रोज पल्लू को यहाँ धरे, ऐसी धाड़ मार के बोले, आज तो इतना प्रेम से बोल रही है, जी तिलक लगा दो, आवाज निकल रही है। सिर पे पल्लू लेके धोग लगा। हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। पति कभी चांद को देखे, कभी चंद्रावती को देखे, बड़ी कृपा करी चांद देव, कम से कम एक दिन तो अच्छे से दिखा दिया। तुम चांद से कहती हो ऐसा पति हमें को देना, ऐसा पति का सौभाग्य हमें मिला, अखंड सौभाग्य बनाए रखना। और पति चांद को देख के कहता है, जैसी आज है ऐसी रोज की बना के रखना, ऐसी रोज। काय के लिए करती हो करवा चौथ का व्रत? पति की लंबी उम्र के लिए। तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र लंबी हो जाती का? अरे बोलो तो सही है। तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र लंबी होगी? नहीं। पति की उम्र भूखे रहने से लंबी नहीं होती। पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से लंबी हो जाती। पति की उम्र कम कब होती है? जब तुम धाड़ के बोलती, बेचारे का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता। जितने साल जीना है उसमें से 15 दिन कम हो जाते, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता, भगवान उठा ले। तो भगवान भी पूछे, किसको उठा लूं? तेरे को नहीं, नहीं।
पति की उम्र जब बढ़ेगी, जब आप प्रेम से बोलोगे, मीठी वाणी बोलोगे, धाड़ कर नहीं, प्रेम की वाणी, मिठास से। अब अनसुईया मैया के सातित्व की प्रखरता से गंगा मैया जब शंकर की जटा में फिक्स हो सकती हैं, तो आपके जीवन की भी बेफिक्सता हो, नियम बनाओ, रोज पति के चरणों को प्रणाम करो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो कल से अपने पति को प्रणाम ना करे उसे उठा लीजिए। कुछ नहीं जाता, प्रणाम करना। बड़ों को हमेशा नमन करना चाहिए, हमेशा। अब शिव कथा कह रही है अनसुईया मैया का प्रबल भाव सातित्व की पराकाष्ठा को लेकर, सातित्व के भाव को लेकर गंगा जटा में विराजमान हुई। जटा यहां प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ में भी आई, कन्याओं का जन्म हुआ। एक इतनी कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने आज भगवान भूत भावन के आनंद सुख के लिए भगवान माँ जगत जननी जगदम्बा से कहा, माँ कृपा करिए मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। तो जगत जननी दुर्गा भवानी खुद कहती है, तेरे घर में इतनी सारी बेटियां हो गई, अब तो बेटा मांग ले। तो स्वयं दक्ष प्रजापति कहते हैं, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है, इसलिए मुझे बेटियां क्या बेटे। किस्मत वाले होते हैं वो जिनके घर में बेटी का जन्म होता है, भाग्यशाली। मुझे बेटी आ गई। और केवल भाव से जो मांगा गया, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी कह रही है, मैं बेटी ढूंढने कहां जाऊंगी, स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर आऊंगा। प्रसूति के गर्भ से सती बनकर जन्म ले ली। सती का विवाह शिवजी के साथ हो गया। वही सती शंकर के साथ विवाह कर कुंभज ऋषि के आश्रम में अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने चली। कथा सुनी, राम कथा, उसमें लिखा, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि। कथा सुनने के लिए जब गई, कितना विचित्र भाव है देखिए। आज के जमाने में लोग विवाह करने के बाद घूमने के लिए विदेश जाते हैं, और शंकर भगवान सती के साथ विवाह कर कथा में जाते हैं। कथा सुन क्यों? क्योंकि अगर विवाह के बाद कथा का रस तत्व ग्रहण होगा तो थोड़े संस्कार हमारे जीवन में आएंगे, जीवन सवरेगा। पहली बेटी को विदा करते थे तो बहुत ज्ञान देकर भेजते थे, सीख देकर भेजते थे, बेटी ऐसी रहना, बेटी वैसी रहना। पहले बेटी को सीख देकर भेजते थे, आज के जमाने में सिल्लक देके भेजते हैं। 500 रुपए से सास का पांव पढ़ लेना, 200 से ससुरा का पढ़ लेना, ननंद आए तो उसका 200 में पढ़ लेना। बेटी को सिल्लक देके भेजिए, सीख नहीं दी, सीख नहीं सिल्लक दी। पहले बेटी को समझा कर भेजा जाता था, बेटी वहां जा रही हो, सबको अपना मानना, सबके प्रति प्रेम रखना। और एक आज के समय में मां सीख देकर भेजती है, तेरे से जितना मैंने उतना करना, अपने लिए बना लिया कर, जेठानी है तो कर ले, देवरानी है वो कर ले, तू काहे को लगी रहती 24 घंटा चौका में, कह दिया कर बच्चा रो रिया मम्मी मैं तो जा रही, और चली गई अपने कमरे में, बना फूलों के डब्बा बांध के अंदर कमरे में ले गई। और काहे को रोए, मैं बना के दे तो रही हूं, तिल्ली का लड्डू में भर के तो दे रही हूं। माँ इतना सा तिल्ली का लड्डू भर कर दे देती है, माँ इतनी सी गजक भर के दे देती है, माँ इतना सा सामान रख कर भेज देती है, और कहती है मैं देते भेज तो रही हूं, तू तो कमरे मिल जाएगा, चुपचाप से खा जा, किसी को मत। अब जो सीख आपने अपनी बेटी को दी है, वही सीख तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में करे तो कैसा लगेगा जी? अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छी सीख दो, बहुत बढ़िया। बेटा
नारी का जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिला है यह शरीर, कर सेवा दिल लगा कर करना। ये बूढ़े माँ बाप मिलते नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है। कितने जन्म का? अरे बोलो जम के, तुम करवा चौथ करो तो भी यही मिलेगा, नहीं करोगे तो भी यही मिलेगा। भैरू फिक्स है 7 जन्म तक, टल नहीं सकता, जो मिला है वही मिलना। 7 जन्म का पति पत्नी का संबंध होता है। और शिव महापुराण कहती है बेटे का माँ बाप से केवल 1 जन्म का संबंध होता है। कितने जन्म का? 1 जन्म का। अब तुम्हारे से ही मैं पूछूं, तुम्हारे यहां एक मेहमान जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह रहा है, तो तुम उसको रसगुल्ला गुलाब जामुन इमरती भजिया ज्यादा खिलाओगी कि जो 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए आया उसको ज्यादा खिलाओगी? बोलो जम के बोलो। अरे बोलो जम के, जो 1 दिन 2 दिन के लिए आया है तुम उसको रसगुल्ला खिलाओगी, मोहन थाल खिलाओगी, मूंग का हलवा खिलाओगी, सब खिलाओगी, गजक भी खिलाओगी, आगरा घुमाने भी ले जाओगी। 1 दिन के लिए तो आया बेचारा, आगरा भी घुमा, सब कुछ करोगे। और जो तुम्हारे घर में परमानेंट दे रहा है, फिक्स दे रहा है, तुम उसको क्या घुमाओगे? आओ लो रोटी खा लो, जो परमानेंट है, फिक्स है। पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का है और माता पिता का संबंध जम के बोलिए 1 जन्म का है। तो निवेदन है पति और पत्नी के संबंध से बड़ा संबंध होता है माता पिता और बेटे का। इसलिए माता पिता के प्रति समर्पण होना चाहिए। बहुओं से भी निवेदन है, आपको भी सास ससुर दोबारा ये नहीं मिलेंगे, नहीं नहीं। और फिर निवेदन है धन की प्रियता ना रखे, धन की प्रियता, और धन की प्रियता ना रखे। अगर धन की प्रियता होगी तो माता पिता का आशीर्वाद सुख का अनुभव नहीं करेगा। धन मिलते नहीं दोबारा रे कर मात पिता की कई कई बहुएं कहती है गुरुजी हमारे माता पिता तो बहुत गालियां देते हैं, हमारे सास ससुर बहुत अपशब्द कहते हैं। कहने तो ना, बोलने तो गाली, बोलने तो आना टेढ़ा, वो गालियां दे तुम आरती करो। तेरा तुझको क्या, तुम्हें क्या करना है, वो गाली दे अपशब्द कहे कुछ भी बोले, तुम तो भजन करो, तुम कीर्तन करो, तुम स्मरण करो, तुम क्यों बोलते हो? वो और गाली दे तुम और भजन करो। हरि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होरी आगरा वाली, हम सब उतारे थारी, तेरे घर के बहु बेटा पे बीड़ पड़ गई भारी। तुम क्यों अब शब्द बोलते हो? प्रेम से बोलो। जब जब सास गुस्से में हो तो बहू से निवेदन है एक आंख में काजल लगा, एक बिगर आंख की चली जा। सास भी कहेगी अरे ओ मुंडा तो देखिया, डोकरी खुश हो जाएगी। और जब बहू गुस्से में हो सास से निवेदन है बेटी है तुम्हारी, बेटी है, जाओ जाकर एक बार गले लगा लो, वापिस हृदय से लगा कर कहो क्यों चिंता करती है। बोल लिया ना, हो गया ना, खत्म कर, चल रोटी खा, नहीं खाऊं मैं तो, नहीं खाऊं, चल कोई बात नहीं, बोल क्या मंगवा दूं बाजार से, बोल जल्दी, नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, अरे खा ले, अरे ओ धन्नो भाई खा ले। बहू भी कहेगी कहां की डोकरी मिली रे। धन किसी काम का नहीं होता जी जी, पैसा किसी काम का नहीं है अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो। पैसे का कोई मूल तत्व नहीं है, पैसा तो एक वेश्या भी कमा लेती है, पर संबंधों रिश्तेदारी कौन सी बनाकर रखती है? प्रेम होना जरूरी है आज के जमाने में। आगरा में आप लोग रह रहे हैं, पूरा परिवार आपका यहाँ रह रहा होगा, और भी कई परिवार आपके रह रहे होंगे, सबके रिश्तेदार रहे होंगे, कोई काका कोई बुआ कोई फूफा, सब अपनी अपनी कमा रहे, अपनी अपनी उन्नति कर रहे, अपने अपने आगे बढ़ रहे, किसी को फुर्सत नहीं है आज के समय में। पर जब जब मिलो, भले 2 दिन के लिए मिलो, 1 घंटे के लिए मिलो, इतना प्रेम झलकना चाहिए कि लगे। धन की प्रीति नहीं कि हमको देगा क्या, हमको क्या लाभ होगा, हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नहीं नहीं,
जो धन की प्रीति रखता है अगला जन्म उसका मछली का या कुत्ता जब मरता है तो उसके शरीर में जो कीड़ा पड़ जाता मरने के बाद उसका जन्म हो जाता है, क्योंकि उस कुत्ते को उसके मांस से प्रीति होती है। प्रीति ना रखना, धन की प्रीति छोड़कर प्रेम की प्रीति बढ़ा। कितना सुंदर कहा, ये तो प्रेम की बात है रे उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम हो, प्रेम की ललकता हो, प्रेम की पराकाष्ठा हो, आप उस प्रेम के बल पर रिझाओ। हमें नहीं चाहिए धन, कभी किसी के धन से प्रीत रखकर व्यवहार मत रखना, बिल्कुल मत रखो। 500 का लिफाफा दे दिया और सोचो कि हम तो बहुत बड़े धन्ना से, नहीं कोई मत। प्रेम से दुर्योधन के मेवा त्यागे, आगे बोलो आप लोग। साग विदुर घर, क्यों भैया दुर्योधन के घर में क्या कुछ था नहीं? 56 भोग बना के रखे थे, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब बना कर रखा था, फिर भगवान छोड़कर उस विदुर के घर क्यों गए? उस विदुरानी के घर में केले का छिलका क्यों खाया? क्या 56 भोग भगवान को अच्छे नहीं लग रहे थे? लगते, पर प्रेम से अगर जिमाता तो लगते। पर गुलाब जामुन खिलाते खिलाते भी कह रहा है कैसी बनी, कैसी बनी? देसी घी की है। भगवान मन में सोचे, हमने तो कभी बाप जमाने में घी नहीं खाया, तू ही खिलाने वाला मिला, देसी घी की है तुम्हारे लिए बनवाई, हमें मालूम पड़ गया था तुम आने वाले, तुमने कहा गुलाब जामुन बनवा। ओहो, कई कई लोग अकड़ में इतना प्रेम से बोले, देखा कभी इतना ठाट, देखा? वो तो तुम्हारे लिए व्यवस्था करना, सब तुम्हारे। नहीं नहीं भगवान।